हेलो गाइज, मैं हूँ अभी अपने गांव में। और गांव में कुछ इस तरह होता है, खेती और गांव का माहौल इस तरह का है। यहाँ पे ऐसे देखो, ये मूली है और पालक है, ये सब लगे हुए हैं। ये बथुआ भी है, ये जो बथुआ हो रखा है इधर। और ये मूली है, ये कुछ भैंसों का चारा है। ये मूलियाँ हैं, सब इतनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। ये सब मूली हैं, इतनी बड़ी ग्रो कर रही हैं ये, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में है इसलिए काफ़ी अच्छी हो रखी हैं ये। आप देख सकते हो, ये भैंसों का चारा के साथ साथ में इन पे दीवारें बनी हुई है मिट्टी की ही, इन पे मूली लगी हुई है। ये भैंसों का चारा है, इधर सारा भैंसों का चारा है, आप देख सकते हो इधर। और इधर दिखाती हूँ कि ये पालक है, ये पालक है पूरा, ये सब पालक है इधर। और ये बीटरूट लगे हुए हैं वहाँ तक, देख वो दिखाई दे रहा होगा, ये बीटरूट है, यहाँ से यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं ये, देख सकते हो आप। बीटरूट लगे हुए हैं सारे, मिट्टी की दीवार बनाते हैं तो बीटरूट अच्छा ग्रो करते हैं इसमें। ये पूरा बीटरूट की खेती है इधर, ऐसे लगाते हैं गांव में मिट्टी की दीवार पर, तो इसमें अच्छा ग्रो करते हैं। पूरा बीटरूट लगा हुआ वहां से वहां तक, वहां तक ये सब बीटरूट है। और दीवारों पे बीटरूट है। और ये है मेथी, मेथी ऐसे है पूरा, ये मिट्टी में होती है तो अच्छी सी ग्रो करती है और अच्छी हेल्थी हो जाती है फिर ये सब मेथी है। और ये है पालक, जो इतना बड़ा बड़ा ग्रो कर रहा है, पालक के अंदर ही धनिया है। जो ये पालक है, इसको डेली कटाई हो जाती है, घर में यूज होता है। इसके साथ साथ ये धनिया है, आप देख सकते हो, ये धनिया और पालक दोनों मिक्स है इसमें। हेलो गाइज, गांव में सरसों में भी मूली उगाते हैं, क्योंकि सरसों की मूली बहुत मीठी होती है और ये अच्छी ग्रो कर जाती है। ये सरसों है, सरसों के अंदर ही मूली है।